तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। जैसा कि विंटर्स यहाँ पे आ ही चुके हैं इंडिया में, तो इसी के साथ मैं अपना अगला ब्लॉग पेश करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के सामने, जो है मेरा बगोरी विलेज का। ये बगोरी विलेज जो मैंने इससे पहले जो आपको जो वीडियो दिखाया है, ब्लॉग दिखाया है हर्षिल वैली का, उसी का कंटिन्यूएशन है। उसी के आगे जस्ट लोकेटेड हर्षिल वैली के आगे ही बगोरी विलेज। और ये बगोरी विलेज जो है यहाँ पे लगभग 3,000 की पॉपुलेशन है भूटिया लोगों की। ये वही भूटिया लोग हैं जो इंडिया और तिब्बत के बीच में बाया गड़तांग वाली जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उससे जाया करते थे ट्रेड के लिए इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो इसीलिए मैं आपको ये पूरा विलेज दिखाऊंगा। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है उनका, हम खाना भी खाएंगे, क्या वो लोग खाते हैं, उनके घर में रुकेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ बगोरी विलेज का ये ब्लॉग विद व्हाइट कोट मैवरिक। इन्फॉर्मेशन ली जाए बगोरी ग्राम पंचायत जनजाति ग्राम है। यह ग्राम जलंधरी बगोरी के मध्य में है। तो पूरी मेरी भारत जीत हवा चल रही है। ग्राम से 18 किलोमीटर की दूरी पर क्यारकुटी डांडा और हिमाचल का आखिरी गांव चिटकुल तक ट्रैक रूट है। सन 1962 से पहले भारत तिब्बत बाजार जो निलांग में स्थापित किया जाता था उसे स्थापित करने में निलांग जादू और बगोरी ग्रामीणों का योगदान था। हिस्ट्री, वी आर लिविंग इन हिस्ट्री। बगोरी विलेज बहुत मंदिर, नाग देवता मंदिर। अब जाके ना थोड़ा आराम मिला है, हवा ये तो बहुत ही चल रही है। बुद्धा टेम्पल है इधर, चल सकते अंदर रूम। ये है ये तो खाना खाना, ये तो कह रहा हूँ ये है बगोरी विलेज का एक आइकॉनिक विलेज। चाय भी रखनी पड़ेगा, बहुत टेम्पल तो हम भी चलते हैं अंदर। ये प्यारा सा बुद्ध टेम्पल, हाँ वो हर जगह होता है। ओम मानी पद्मे हम। चलो 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 सर, लोग प्रेयर करते हैं अंदर। 6 दिन कैपलिंग हम खड़े हैं विलेज के अंदर। कितने साल पुराना घर है आपका? हाँ
नेचुरल छोटे लोग होते हैं ना इसलिए हाइट में। स्तूप लोगों के एड्रेस ऐसे लिखे हुए घर पे, ये एड्रेस लिखने का तरीका है। श्री धनप धनपाल सिंह राणा 15/8/1971 का घर है। ये मम्मी लोग बातें करते हुए स्वेटर वगैरह भी घर अच्छा है। लकड़ियाँ जमा कर रखी हैं सर्दियों के टाइम के लिए। ये ऊन सूख रही है सारी, इनसे भेड़ों की खाल सूख रही है, ऊन बनाई जाएगी इससे। मंदाकिनी कैफे पकौड़ी और आप व्यू देख ही सकते हैं कि कितना बेहतरीन व्यू है। घर देख रहे हो आप किसी किसी के। अंकल क्या ऑर्डर कर रहे हो? वाह ये अच्छा है। The peace we want in our life. ये है
आंटी जी का कचौड़ी और बिच्छू की घास की सब्जी, पता नहीं क्या थी, है ना, बिच्छू की घास की सब्जी, भयंकर, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आगे देखते हैं, हाल गंदे लेकिन क्या कर सकते हैं। और एक चटनी और है, चटनी का आई वाली 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 मैं बच्चे खाऊं मैं खाऊं ना ऐसे खाऊंगी ऐसे करके नहीं होगा। ये स्पेशल चटनी है आंटी जी की, ये लोग तो खा रहे हैं अभी बात है ना नीचे रख। बहुत अच्छा है इसमें, चटनी कितनी सही है। बिच्छू अभी नहीं बने, बिच्छू बनते हैं। आप बिच्छू पीछे दवाई लगा के बिच्छू है ना, सेब का दवाई चढ़ा दे। एक तार रखा है, वो भी आज चली गई नीचे इतने बड़े। इसलिए तो अब कैसे थे तो क्या बना रहे हो आपके खाने में? आपको दाल चावल बनेंगे, दाल चावल खंडा पुराना था ना, उस तरीके से करवाया तो थोड़ा काम अभी अधूरे है। अब काम बने और इसको पर बनेगी कैसा, और इधर बनी है नहीं, इधर इसको थोड़े लेंटर डाल के तो अटैच बनाना, तो अटैच नहीं बना रही ना, अटैच अच्छा नहीं है, गंदगी हो रहा है ना, ऐसा चाह के तब कोई आएगा तो थक गया तो लोग बैठ जाते हैं आराम से नहीं, तो इस वजह से अटैच नहीं बनाऊँगी, सीधा वो बनाऊँगी दरी वाला, ठीक है नहीं है इसमें सब है लगा, इंग्लिश भी है वो भी है सब है ना, सब तो इसमें सफाई नहीं रहते ना आलू बॉईल करके रखते हैं करके, सीधा टमाटर प्याज डालो जल्दी अपने आप बोते पकड़ते हो अभी भी दे रही है वो 10 रुपये ककड़ी ले दिया, लहसुन मिलेगा, लहसुन कहाँ मिलता है, पाँच मिलता है कहाँ मिलते हैं लहसुन, हम अपने मंगाते नीचे नहीं पत्ती वाला यहाँ का लोकल, पता नहीं पार मिलेगा सिर की तरफ किसी ने बोरा कोई गम, तो इसी बार हम बहुत साल के बाद ही साल आए यहाँ, हम नीचे ही रहते, नीचे कहाँ पर उत्तर का मकान, हम लोग कहाँ आगरा, हम आगरा से, हमारे नीचे मकान है हमारे, वैसे ही जैसा आप लोगों की बिल्डिंग ना, हमारे नीचे खरीदा होगा आपने, नहीं यहाँ भी है हमारा अपने सारा, और ऊपर तक है हमारे दो जगह में, यहाँ उसे बगीचे और राजमा बोते है, और नीचे हमारा क्यारी है वहाँ हम आलू लगाते हैं, कोई धान बोते है धान हम पाते नहीं, पानी हाँ चाहता पानी तो मिलना तो बाजार में वहाँ मार्केट है। हमने दिखाया कि आपको ब्रेकफास्ट का एक्चुअली सॉरी लंच का कैसा क्या सीन था, वही है अभी हम हर्षिल वैली में हैं, और हर्षिल वैली में ही पड़ता है हमारा बिगोरी विलेज, और बिगोरी विलेज के ही आगे है थोड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज है वो दिखाते हैं,
और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये है सस्पेंशन ब्रिज है, बना हुआ है और अभी रास्ता करके आए हैं। ऊपर देखिए कितना अच्छा है, हम इसको पार करेंगे और गिरा तीन के ऊपर बना हुआ अच्छा सा। हर्षिल वैली का व्यू कितना बेहतरीन व्यू है, कितना भव्य है, कितना बड़ा है ये वैली। अब यहाँ पे जो 100-200 किलोमीटर की रफ्तार पे हवा चल रही है, कहने का मतलब समझिए बहुत तेज हवा है, कपड़े भी नहीं यूज होते यहाँ पे। अरे भाई जब पुल हिल रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है, आपको अगर दिख रहा हो तो पुल हिलना है, बहुत तेज हवा है। यही है पीसफुल बिगोरी विलेज। ते भैया लासा किचन आएंगे, हम आ चुके हैं मार्केट में वापस। यही थी हमारी हर्षिल वैली, आई होप एज यूजुअल पसंद आया होगा। यही थे मेरा हर्षिल वैली का टूर ब्लॉग, हम आ चुके हैं वापस वहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हर्षिल वैली का स्टार्टिंग पॉइंट।
यानी ये आइकॉनिक ब्रिज हवा चली गई है। ऐसे ही देखने के लिए, ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।